नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जिनेवा कन्वेंशन क्या है, ठीक है, जिसके तहत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई हुई है। तो ये रेड लाइन में आप जो देख रहे हैं, ये मेजर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। समझते हैं क्या है जिनेवा कन्वेंशन, जिसकी हर तरफ हो रही है चर्चा। नई दिल्ली जिस तरह से आज भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर को पाकिस्तान की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसके बाद लगातार दिल को चीरने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। हालांकि विंग कमांडर को लेकर हर तरफ जिनेवा कन्वेंशन की बात हो रही है और हवाला दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को जिनेवा कन्वेंशन के तहत भारत को सौंपना पड़ेगा। लेकिन विंग कमांडर को जिस तरह की आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन है। ऐसे में आइए डालते हैं एक नज़र, आखिरकार क्या है जिनेवा कन्वेंशन जिसकी हर तरफ हो रही है चर्चा। क्या कहते हैं जिनेवा कन्वेंशन के नियम? जिनेवा कन्वेंशन के नियम क्या कहते हैं? युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्ध बंदी को अच्छे तरीके से इलाज होना चाहिए और युद्ध बंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, यानी गलत तरीके से व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सैनिकों को कानूनी सुविधा भी मुहैया करानी चाहिए। युद्ध बंदियों को डराया धमकाया नहीं जा सकता है, उन्हें अपमानित नहीं किया जा सकता है। युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। युद्ध के बाद युद्ध बंदियों को वापस लौटाना होता है। युद्ध बंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। संधि के तहत युद्ध बंदियों को खाने पीने की जरूरत की सभी चीज़ें दी जाती हैं। जिनेवा कन्वेंशन करता है युद्ध बंदियों के अधिकारों की रक्षा। युद्ध बंदी प्रिजनर ऑफ वॉर के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए जिनेवा कन्वेंशन हुआ था। इसका मकसद है युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित नियम है। इसमें बताया गया है कि युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए सैनिकों और घायलों के साथ कैसा बर्ताव करना है। उन्हें साफ तौर पर बताया गया है कि युद्ध बंदियों यानी POW मतलब है प्रिजनर ऑफ वार के क्या अधिकार हैं। यह है जिनेवा कन्वेंशन का लोगो। इसमें आप देख रहे होंगे सात रेड कलर के डॉट हैं, ये सात महाद्वीपों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनमें 196 देश शामिल हैं। जिनेवा सम्मेलन में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल यानी मसौदे शामिल हैं, जो युद्ध के मानवीय उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानकों को स्थापित करते हैं। जिनेवा सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच बातचीत के जरिए 1949 के समझौतों को दर्शाता है, जिसमें पहली तीन संधियां, पहली संधि है 1964 को, दूसरी है 1906 को और तीसरी है 1929 की शर्तों को अपडेट किया गया है और चौथी संधि जोड़ी गई है। चौथे जिनेवा सम्मेलन 1949 के अनुच्छेद में बड़े पैमाने पर कैदियों को युद्धकालीन बुनियादी अधिकारों यानी नागरिक और सैन्य को परिभाषित किया गया है। युद्ध के क्षेत्र में और आपस के क्षेत्रों में नागरिकों और घायलों के लिए सुरक्षा स्थापित किए जाने की व्यवस्था दी गई है। 1949 की संधियों को 194 देशों ने पूर्णतया यानी अपवादों के साथ अनुमोदन किया है, यानी कुछ देश इसमें भी थे कि कहा कि कुछ नियमों को संशोधन किया जाए, तब उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन पर साइन किए थे।
लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल है लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल है कि आखिरकार दुश्मन के देश में युद्धबंदी के साथ साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, और साथ ही युद्धबंदियों की वतन वापसी के किन नियमों के तहत होती है। देश भर के लोगों के मन में यह सवाल है कि जब कोई सैनिक दुश्मन के देश के इलाके में पहुंचता है तो उसकी वापसी के क्या रास्ते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पायलट को पाकिस्तान चाहकर भी हाथ नहीं लगा सकता है। इसकी वजह है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल नियमों के मुताबिक किसी भी देश का कोई सैनिक अगर दुश्मन के देश में बंदी बनाया जाता है तो उस पर कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल लागू होते हैं। तो समझते हैं क्या है, पहले समझते हैं क्या है जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध के समय जो देश युद्ध में शामिल हैं उन्हें इस कन्वेंशन के नियमों का पालन करना होगा। इस कन्वेंशन के तहत न सिर्फ सैनिकों बल्कि आम नागरिकों के साथ भी युद्ध में शामिल देशों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। कन्वेंशन के तहत युद्ध के दौरान बंदी सैनिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत उन्हें चोट न पहुंचाने, घायलों का इलाज करना आदि शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये नियम बना था, द्वितीय विश्व युद्ध 1949 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में देश भर में जिनेवा कन्वेंशन को स्वीकार किया गया था और इसे लागू किया गया। हालांकि इसमें अब तक 3 बार संशोधन किया जा चुका है। तो संशोधन के बारे में जानेंगे। ये जिनेवा कन्वेंशन जो जिनेवा में है उसकी तस्वीरें हैं, जिसमें 196 देश शामिल हैं। अब ये जान समझते हैं 3 बार संशोधन कब और किस लिए हुए। 3 बार हुआ संशोधन, 2 बार 1977 में और 1 बार 2005 में। इसमें संशोधन किया गया था। इस कन्वेंशन के तहत कुल 196 देश शामिल हैं जिनमें इस पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 2010 में 170 देशों ने पहले संशोधन के तहत कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, जबकि संशोधन के बाद 165 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन तीनों ही संशोधन को प्रोटोकॉल 1, प्रोटोकॉल 2, प्रोटोकॉल 3 के नाम से ही जाना जाता है। यह है सैनिक की रिहाई की तस्वीरें, किस नियम के तहत हम छोड़ते हैं तो समझते हैं। कन्वेंशन 1, जिनेवा कन्वेंशन 1 के तहत घायल सैनिकों की रक्षा की जाएगी, साथ ही सैनिकों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव रंग, जाति, धर्म, जन्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, ना ही उनका शोषण किया जाएगा, ना ही उनके साथ मारपीट की जाएगी। उन्हें बिना कानून न्यायिक फैसले के सजा नहीं दी जाएगी। सभी सैनिकों का इलाज का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, कन्वेंशन 2 और 3 क्या है। कन्वेंशन 2 के तहत सैनिकों का अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से नौ सैनिकों को अधिकार दिए गए हैं। ये 9 सैनिकों के तस्वीरें, जहाज एयरक्राफ्ट वालों की। कन्वेंशन 2 के तहत 9 सैनिकों को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से 9 सैनिकों को इलाज का अधिकार दिया गया है। यही नहीं, जहाज पर बने अस्पताल की रक्षा भी अधिकार दिया गया है। वही कन्वेंशन 2 के माने तो इनमें युद्ध बंदियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि युद्ध बंदियों की कन्वेंशन 1 के तहत सही इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें सैनिकों को सिर्फ अपना नाम, रैंक, सीरियल नंबर ही देना होगा। सैनिकों से अधिक जानकारी लेने के लिए उन्हें टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। कन्वेंशन 4 क्या है। कन्वेंशन 4 के तहत युद्ध के समय आम नागरिकों को भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इनमें कहा गया है कि युद्ध के समय आम नागरिकों के साथ किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, साथ ही घायल और बीमार सैनिकों के साथ भी किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये हैं विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीरें।